सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बरवाला में स्वामी रामदेव स्कूल के बच्चों एवं होमगार्ड के जवानों ने रैली के माध्यम से आम लोगों को रोड सेफ्टी से जुड़ी जानकारियां प्रदान की। इस रैली में स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों व होमगार्ड के जवानों ने आम लोगों से आह्वान किया कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उनकी थोड़ी सी लापरवाही से न सिर्फ किसी की जान जा सकती है बल्कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मौका था 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर का, जहां स्कूली बच्चों ने न सिर्फ दूसरे लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी बल्कि खुद के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी बगैर हेलमेट के बाइक, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत दी। इस रैली को डीएसपी जयपाल सिंह ने स्वामी रामदेव स्कूल के बच्चों को किसान रेस्ट हाउस अनाज मंडी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनका कहना है कि जिस तरीके से रोज सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें मरने वालों की संख्या भी ज्यादा होने लगी है, जो चिंतनीय और मंथन का विषय है। पुलिस विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन हर हाल में करना चाहिए। डीएसपी जयपाल सिंह ने कहा कि इस रैली को सफल बनाने के लिए स्वामी रामदेव स्कूल के साथ साथ होमगार्ड व आम लोगों का भी खासा सहयोग रहा। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के सदस्यों, होमगार्ड के जवानों व पुलिस स्टाफ के सदस्यों को पुलिस कैप पहनाकर सम्मानित भी किया गया व साथ साथ सड़क सुरक्षा के प्रति शपथ भी दिलवाई गई। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा बरवाड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ सदस्यों का बहुत अहम रोल रहा। स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य स्वयं बच्चों के अगुवाई में आगे रहे। करीब 500 से 600 के करीब बच्चे इस रैली में इन्होंने हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वयं डीएसपी जयपाल सिंह इस पूरी रैली के पूरी रैली का नेतृत्व कर रहे थे तथा उनका पूरा सहयोग इन बच्चों के साथ रहा। मेन उद्देश्य है इस रैली का, जो मेन उद्देश्य था, सड़क पर चलने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन में, चौपहिया वाहन में जो ड्राइवर हैं वो अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा दुपहिया वाहन चलाने वाले अपने हेलमेट का प्रयोग करें। इस उद्देश्य को लेकर 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें डीएसपी श्री जयपाल सिंह ने आने जाने वाले लोगों तथा कार्यक्रम था 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हरियाणा पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, के संबंध में आज हमने डीएसपी ऑफिस बरवाला से लेकर के तमाम बाजार का जो बरवाला शहर का एरिया है उसे होते हुए स्वामी रामदेव स्कूल के बच्चों और उनके स्टाफ, प्रिंसिपल और बरवाला के अन्य वासियों के सहयोग से एक रैली का आयोजन इसमें एक किया गया, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन इसमें शामिल किए थे, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए जो भी स्लोगन है वो सभी बच्चों ने तख्तियों के रूप में और बैनर के रूप में उठाए हुए थे, जिससे पब्लिक के काफ़ी लोगों ने इस जुलूस को देखा है और इसे अच्छी शिक्षा ट्रैफिक रूल्स के बारे में मिलेगी। देखिए, आज सड़क के नियमों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा जो 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, एक रैली का आयोजन डीएसपी कार्यालय से लेकर ओल्ड पुलिस चौकी तक किया गया है, जिसमें सड़क को संबंधी नियमों के बारे में छोटे बच्चे द्वारा और पुलिस और बरवाला वासियों के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से रैली का आयोजन किया गया है। जो आयोजन के तुरंत अंत में सभी के शपथ ग्रहण समारोह का भी इसमें प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी को शपथ दिलाई गई कि सड़क के नियमों के प्रति सभी जागरूक रहें और सभी दूसरे पब्लिक को भी, आम पब्लिक को भी इसमें जागरूक करें। और इसके अलावा अंत में कुछ होमगार्ड और इस रैली में जिन्होंने अच्छा योगदान दिया उनको सम्मानित भी किया गया। सर एक ग्रुप
सर जा रहा है, इसमें सड़क के नियमों का पालन करवाने के लिए एक हमने यहाँ पर एक रैली निकाली थी, जिसमें स्वामी रामदेव स्कूल के बच्चे इसमें शामिल किए गए थे। और इस रैली में अनेक प्रकार के स्लोगन, जैसे शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, एक दो पहिया वाहन पर तीन व्यक्ति ना चलें, हमेशा सड़क के बाईं तरफ चले, इस प्रकार के अनेकों हमने इसमें स्लोगन लगाए हुए थे, जिनके अंदर सभी बच्चों ने इसमें ट्रैफिक के रूल्स की पालना करने के लिए आज बरवाड़ा शहर में इसका जुलूस की शक्ल में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें हमारे SHO बरवाला, SHO उकलाना, SHO ट्रैफिक और प्रिंसिपल स्वामी रामदेव स्कूल इसमें शामिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बरवाला के भी कुछ व्यक्तियों ने हमारा काफ़ी इसमें सहयोग दिया है, जो ये रैली DSP कार्यालय से लेकर यहाँ पुलिस चौकी ओल्ड बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें तमाम बाजार इसमें कवर हमने किया है। और इस प्रकार एक अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक में कि सभी को अपने सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए और इसके लिए जागरूक, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। बरवाला से कपिल मेहता। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव TV। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।